निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। आपका मेजबान सागर रफीक। एक बड़ी खबर और बड़ी खबर के साथ ये दुखद खबर आ रही है जिले कुपवाड़ा से। बताना चाहेंगे कि जिले कुपवाड़ा के इलाका कलारूस सरकुली के सरकारी हाई स्कूल से एक बुरी खबर और बुरी खबर के साथ ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पीने के साफ पानी में कुछ जहर जैसा डाला गया था, जिसके नतीजे में कई बच्चों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। असल हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो पर अल्ताफ मौजूद थे और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अल्ताफ। अल्ताफ से जानना चाहेंगे क्या असल मामला है। जी अल्ताफ। जी सागर, जिले कुपवाड़ा के इलाके सरकुली कलारूस से मैं आपको बताते चलूं कि सात बच्चे अभी भी जो है अस्पताल में जेर इलाज है, जिन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल सरकुली में आज दिन के 12 बजे सनटेक से पानी पी थी। जिले कुपवाड़ा के इलाके कलारू सरकुली में जो एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया और उस वक्त देखने को मिला जब गवर्नमेंट हाई स्कूल में जेर तालीम बच्चों ने इस स्कूल के सनटेक से पानी पी और इस पानी के कुछ बदबूदार दवाई की बू आने लगी और बच्चों को वोमिटिंग शुरू हुई। तो फौरन कुछ स्कूली बच्चों ने अपने स्कूल के हेडमास्टर से राब्ता किया, कहा कि स्कूल के किचन के पास एक सनटेकस जो मौजूद है, जिससे स्कूल में पानी सप्लाई मुहैया किया जा रहा है, उसमें कुछ बदबूदार बदबू आ रही है। बताया जा रहा है कि जिस भी स्कूली बच्चे ने इस पानी को इस्तेमाल किया है, उन बच्चों में अभी भी वोमिटिंग जारी है और जिले कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अभी भी सात बच्चे जेर इलाज है। लेकिन आप मैं बताना चाहूंगा अल्ताफ, यहाँ पे रोकना चाहूंगा, क्या जिस वक्त आप सपाट पे मौजूद थे उस वक्त क्या स्थिति थी? ये बताया जा रहा था कि पूरा इलाका जो है जमा हुआ था स्कूल के अहाते के बाहर और यही कयास लगाया जा रहा था कि आखिर ये कांड किया तो किया किसने। और उसके साथ साथ जब आपने सरकारी अधिकारियों से बात की, हम हेडमास्टर की बात करें, जब आपने उसके साथ बात की, उन्होंने क्या कहा? जी सागर, मैं आपको ये बताते चलूं कि जब ही मुझे कुछ कॉल्स मौसूल हुई सरकुली इलाके से और जब ही मैंने इन कॉलों को उठाया और उनसे मैंने बात की, कुछ मुकामी लोग मुझे फोन पे बता रहे थे कि स्कूल में कुछ बदबूदार कुछ दवाई जो है सनटेकस में डाली गई है, जो सनटेकस स्कूल के अहाते में मौजूद है, यानी कि जो गवर्नमेंट हाई स्कूल सर्कुली है उसका एक किचन है जो कि जहां पर स्कूली बच्चों के लिए जो है राशन जो है तैयार किया जा रहा है, यानी जो खाने पीने की चीजें उस किचन में तैयार किए जा रहे हैं, उसी के बाहर में एक सनटेकस है और सनटेकस के अंदर जो है बाजाबता तौर वहां वाटर सप्लाई की फिटिंग लगी हुई है और वो पानी अंदर किचन में भी आता है और स्कूल में भी सप्लाई करता है उसी सनटेक से पानी। लेकिन जब ही बच्चों ने इस पानी को इस्तेमाल किया है, जब ही बच्चों ने ये पानी पिया तो बच्चों में वोमिटिंग शुरू हुई और कुछ बच्चों ने अपने हेडमास्टर से राब्ता किया, कहा कि हमने जब ही इस पानी को इस्तेमाल किया है कुछ बदबूदार कुछ दवाई की बू आती है इस पानी में और इसी के साथ साथ कुछ बच्चों को वहीं पे वोमिटिंग शुरू हुई। तो फौरन जब ही इलाके में ये खबर जंगल की आग की तरफ फैली तो फौरन लोगों ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, वो स्कूल की तरफ दौड़े और उन्होंने कहा शायद हमारे बच्चों में किसी ने जहर डाला है, शायद कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जैसे कि हमारे सब बच्चे मर जाएंगे। और फौरन जिले कुपवाड़ा के इलाके सरकुली कलारूस के जो मुकामी लोग है वो स्कूल की तरफ दौड़े और फौरन तो हेडमास्टर ने जो है अपने डिपार्टमेंट के जो जल शक्ति है उनसे भी कॉल की और उनको बताया कि आपके वाटर सप्लाई के अंदर कुछ बदबू आ रही है। तो लेकिन जब ही वाटर सप्लाई महकमा वहां पहुंचता है, उन्होंने जब चेक किया तो वाटर सप्लाई में बिल्कुल पानी ठीक चल रहा था, लेकिन सनटेक्स के अंदर से कुछ बदबूदार कुछ केमिकल जैसे जहर जैसा पानी महसूस हो रहा था और जो ही इस पानी को पीता था उसमें वोमिटिंग शुरू हो जाती थी। और जब ही मैंने उस सनटेक्स का जब ढक्कन खोला तो मुझे भी उल्टी जैसी महसूस हुई, इतनी बदबूदार कुछ भू वहां से अंदर से आ रही थी उस सनटेक्स से। तो मैंने भी यही सोचा कि शायद किसी ने कुछ ऐसी केमिकल या कुछ ऐसी दवाई इसमें मिलाई है जिससे वोमिटिंग शुरू हो जाती है इंसान को और चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही बच्चों में देखने को मिला और कुछ बच्चे अभी भी कुपवाड़ा कलारूस के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रेफर किए गए कुपवाड़ा की तरफ और अभी इस वक्त भी वो जेर इलाज है कुपवाड़ा में। लेकिन ये आपको मैं बताते चलूं सागर साहब, जिले कुपवाड़ा में आज पहली बार ये वाकया देखने को मिला और ऐसा वाकया और हाई स्कूल अंदर जो है अंदर का भी
लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौरन वहीं तहकीकात शुरू कर दिया है और पुलिस ने वहां पर लोगों से बात की, लोगों को कहा कि जो भी इसमें मुलावस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। अल्ताफ, जब आपने हेडमास्टर से बात की, जो मुतलका जो वहां पे जमींदार है, स्कूल के हेड हैं, उनसे जब आपने बात की, उन्होंने उनका क्या कहना था? सागर साहब, मैंने आपको पहले ही बताया कि हेडमास्टर की तरफ से यही बताया गया कि कुछ बच्चे मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि हमने पानी पी और पानी के साथ साथ हमें बदबू देखने को मिला और बदबू की बू आई और उसके साथ साथ हमें वोमिटिंग शुरू हुई। तो फौरन स्कूल में जो है बहुत सारे बच्चे परेशान हुए, लोग परेशान हुए, टीचर जो वहां पे काम कर रहे वो भी परेशान हुए। आखिर हुआ क्या ऐसा मामला कि हमारे बच्चे जो है यहाँ पानी पीने के साथ ही वोमिटिंग शुरू हो जाती है? तो स्कूल में कोहराम जैसे मच गया और जब ही बाहर बाजार की तरफ से बात फैल गई तो जंगल की आग की तरफ लोग भी दौड़े और जम्मू कश्मीर पुलिस भी वक्त पे ही पहुंचा और उन्होंने फौरन उन बच्चों को अस्पताल में मुंतकिल किया, कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर कलारूस में और कहीं लोगों को जो है कहीं बच्चों को कुफाड़ा। और इसी तरीके से जो पुलिस अभी कार्रवाई लगातार जारी रखी है पुलिस की तरफ से। अल्ताफ, इस वक्त 9:45 हो चुके हैं, इस वक्त की क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर? अभी भी मैं आपको ये बताते चलूं कि 7 बच्चे जो कि जिसमें बच्ची भी है और कुछ बच्चे भी हैं, वो अभी भी कुपवाड़ा के जिले अस्पताल में जो है जेर इलाज है। अभी मेरे साथ एक सरकुली इलाके से एक लड़का था, तनवीर उसका नाम है, उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरा जो बच्चा है उसमें उसकी वोमिटिंग अभी भी जारी है। अभी डॉक्टरों की तरफ से ये नहीं बताया जा रहा है कि कब ठीक होंगे और कब इनकी वोमिटिंग ठीक हो जाएगी, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा और अजीब गरीब मामला आज कलारूस के इस सरकुली गवर्नमेंट हाई स्कूल में देखने को मिला। जो बच्चे हैं वो बहुत परेशान लग रहे हैं और बच्चों में डर खौफ जैसा माहौल पैदा हुआ है इलाके कलारूस में। ये बहुत बुरी बात है और बहुत बुरी खबर है जिले कुपवाड़ा के इलाके कलारूस के सरकुली से। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ अपना टाइम देने के लिए। ये बताना चाहेंगे हम जिला कुपवाड़ा के इलाका कलारूस सरकुली के सरकारी स्कूल से एक बुरी खबर, और बुरी खबर के साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ जहर जैसा कुछ मिलाया गया था सेंटेक्स के अंदर, जो इसमें बच्चों की हालत जो है अब जिस तरीके से बच्चों को रेफर किया गया है, हालांकि जिसके नतीजे में कई बच्चों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। फिलहाल जो है बच्चों की कंडीशन ये बताई जा रही है अभी फिलहाल जो है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की भी सराहना करना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी जो अपना योगदान दिया और सपाट पर पहुंचे। सपाट पर पहुंचने के बाद ही उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि जो भी कसूरवार होगा कि उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी जो है सरकारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, ग्राउंड जीरो पर अल्ताफ मौजूद थे, अल्ताफ ने अपने कैमरा के अंदर ये तस्वीरें सारी कैद कर ली। और अगर हम आला हुकाम की बात करें जो वहां के हेडमास्टर हैं, उनसे भी बात की है, उनका क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो खबर बुरी खबर आ रही है, बुरी खबर सरकुरी कलारूस से आ रही है, अल्ताफ खबर दे रहे थे। जानकारी देता हूं, मैं यहां पर वैसे हेडमास्टर काम कर रहा हूं पिछले एक साल से। आज मैं यहां ऑफिस में बैठा था, करीबन 12 बजे का टाइम था, तो एक बच्ची आ गई गिलास में पानी लेके। उसने कहा मुझे कि इस पानी में बू आती है। सर, ये टाइम क्या था उस टाइम? करीबन 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास, चाहे 12:15 या 12:15, बस यही 12 बजे के आसपास। उस बच्ची का नाम है शाजिया, वो इधर परिपोरा की रहने वाली है। वो आपके पास पानी लेकर आई? हाँ, वो आई, उसने वो किचन में गई पानी पीने के लिए, क्योंकि हमारे पास आज सप्लाई नहीं थी, जो टैंकी में पानी था उसने पानी लाया, तो उसने मेरे पास आया, कहा कि सर इस पानी में बू आती है। मैंने जब वो गिलास अपनी हाथ में लिया तो मैंने उसको सूंघा तो मुझे भी बदबू लगी। उससे पहले कितने बच्चों ने सर ये पानी पिया? मैं बताऊंगा आपको, उसके पहले तो हमें इस बात का कोई इल्म नहीं था। इससे पहले हमने चाय पी तो इसी पानी से बना के पी, बच्चों ने पानी पिया होगा, 10-20 बच्चों ने पानी पिया होगा, क्योंकि सुबह सवेरे खाने से पहले ज्यादा बच्चे पानी नहीं पीते हैं। तो उसके बाद जब वो बच्ची आई इधर तो मैंने वो पानी जब हाथ में लिया, मैंने उसको सूंघा तो मुझे लगा कि इसमें बदबू आती है। मैं तुरंत उस टैंकी के पास किचन में गया, मैंने उस कुक से कहा कि ये पानी जो यहाँ है तो ये कहाँ से आता है? उसने बोला कि टैंकी से आता है। मैंने उस नल को खोला, पानी लिया दूसरे गिलास में, उसको भी सूंघा तो उसमें भी बू आई। फिर मैंने एक और बर्तन में पानी लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद बर्तन में ही मत होगा कोई
शाय ऐसी जिसे बू आती हो। मैंने तीसरे बर्तन में पानी लिया उस नल से, तो उसमें भी बू आई। फिर मैं सीधा टैंकी के पास चला गया। जब मैंने टैंकी का ढकना उठाया तो टैंकी से उतनी ही बू आती थी, बर्दाश्त करने के बर्दाश्त से बाहर थी वो। मैंने देखा कि पानी सफ़ेद हो चुका है, उसमें जहर मिलाया हुआ है। तो मैंने उसी वक्त उस कुक को बोला कि जो आपने खाना पकाया है इसको बंद करो, जो ये नलके हैं उनके जो वो टेप हैं वो बंद करो, किसी बच्चे को पानी पीने की इजाज़त मत दे दो। मैंने उन बच्चों को से कहा, बच्चे भी मेरे पीछे पीछे आए। मैंने उनको कहा कि आप ये पानी मत पियो, हम आपके लिए इंतज़ाम करेंगे पानी का, बाहर से लाएंगे। मैंने उसके फौरन बाद मैंने पहले पीएचयू वालों को फ़ोन किया, उनका एक जो लाइन मैंने यहाँ पर उसको मैंने कहा कि आप देखो कहीं ऊपर से मत आया है, इसमें जहर मिला के ऊपर से मत आया है, आप देखो अगर ऊपर से आया तो पानी की सप्लाई कट करो, क्योंकि ये पूरे गांव का मामला है, पूरा गांव इसमें मुलव्वस हो जाएगा। तो उस वो आ गया इधर, उसने कहा था कि मैं उधर काम पर हूँ। मैंने बोला कि आप तुरंत आओ इधर, वो एक दो मिनट में पहुँच गया इधर। उसने भी देखा, बोला कि नहीं ऊपर पानी साफ है, यहाँ इस टैंकी में कुछ हुआ है। मैंने उसी के साथ पीएचयू वालों को जो उनका जेई है एई है उनको भी फ़ोन किया। उस इसके साथ एक बच्चे ने हमें शिकायत की कि मुझे पेन लग रही है पेट में, तो मैंने मेडिकल वालों को भी फ़ोन किया, सीओ ऑफिस। हम ये चाहते हैं कि ये संगीन मामला है बच्चों के साथ जो जिस शख्स ने ये किया है, क्योंकि हम ये कहेंगे कि कहीं से नहीं आया है, टैंकी में ला रहा है जहर डाला है, ये बिल्कुल आया है, टैंकी में जहर लगा हुआ है, पानी दिया है, हमने पानी को भेज दिया है टेस्ट के लिए। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो कसूरवार होगा उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा कोई वाका रोनमा न हो। छोटे बच्चे पढ़ रहे, हम बड़े आपको अपने आप को बचा सकते, लेकिन ये छोटे कैसे बचा सकते? हमारे भाई हमारी बहनें इनको कहीं मार, आप आज बहुत जगह से वाका आ रहे कि बच्चों को मार देते, ये जिसने ये जेर डाला पानी में वो कल बच्चे को मार भी सकता है। सर ये बहुत बड़ा बड़ी अफसोस की बात है, हमारे बच्चे और हम लोगों ने ऐसी हरकतें की कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये गलत किया सर, कहाँ अच्छा गया, सजा होनी चाहिए उसके लिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उसको, कि लोगों को आम लोगों को पता लगना चाहिए कि हाँ क्या है। मैसेज यही है कि इंसाफ होना चाहिए, हमारे ये बैकवर्ड एरिया के बच्चे भी ख़त्म, हमारे उस्ताद जो टीचर्स हैं वो भी ख़त्म हो गए थे, अगर उन्होंने ये जो वो खाना था अगर वो बंद नहीं किया तो बच्चे सब खत्म होते। ये बोल आपने कितने बजे? ये सर मैं 1 बजे आया, मुझे 7 एक कागज़ पर करना था हेड मास्टर से, उसने बोला ये माम मसला ये है, आप बैठिए यहाँ, तो हम अभी तक यहाँ ही हैं सर। हाँ आपका नाम जाना? नूर आलम। हाँ तो क्या सुना आपने जब यहाँ पर ये इंसिडेंट सुबह पेश आया? यहाँ मैं आया ना, इन्होंने बताया कि इसमें कुछ जहर डाली है, किसमें? टैंकी में। अच्छा। दो बच्चे बीमार हो गए। आप जो टैंकी वाला पानी है टैंकी में जहर डाले गया। हाँ फिर मैं गया, मैंने देखा कि टैंकी कहाँ पर है, वो रोड के साथ में बीच में दीवार के नीचे है, वो उसको दीवार से भी जगह गलत है।